हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ठीक है तो हमने जनरल असेंबली करने के लिए एक ट्रिक्स बनाई थी बहुत सारे लोग बैठे थे यूएन सेक्रेटरी के सामने ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आ, इसमें क्या क्या है इसके डिटेल्स और इसके इंट्रोडक्शन से तो देखो जो यूएन जनरल असेंबली है वो काफ़ी मेन डेलीब्रेटिव बॉडी है यूएन की ठीक है और किससे कंपोज करती है जितने भी मेंबर स्टेट है कंपोज ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ठीक है एंड असेंबली जो होती है रेगुलर ईयरली सेशंस में मीट करती है बट इमरजेंसी सेशंस भी होते हैं जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में भी अलग अलग सेशनस होते हैं वैसे जनरल असेंबली में भी अलग अलग सेशनस होते हैं नेक्स्ट इसके बाद है असेंबली कौन लेड करता है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट लेड करता है अब इसके प्रेसिडेंट भी हम करेंगे और वो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है फ्रॉम अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑन अ रोटेटिंग रीजनल बेसिस ठीक है और इसमें ट्वेंटी वन वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं अब इसमें फर्स्ट सेशन कब हुआ था टेंथ जनवरी नाइनटीन फोर्टी सिक्स में हुआ था अब हम करते हैं इनके अभी के जो से अभी के जो प्रेसिडेंट हैं ठीक है थीके? अभी जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद ठीक है डी अभी दिख नहीं रहा है वाइट की वजह से वो अभी प्रेजेंटली क्या है प्रिसाइड कर रहे हैं जनरल असेंबली को अब देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हमें ओवरव्यू मिल गया अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है ये की डिसीजंस बनाता है क्या सबसे पहले अपॉइंट क्या करता है सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है सेक्रेटरी जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है उनको अपॉइंट करता है देन क्या है नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अब देखो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड है नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इलेक्ट करता है नेक्स्ट इसके बाद क्या करता है अप्रूव करता है यूनाइटेड नेशंस का बजट बहुत प्राइमरी फंक्शन है ये दो तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है और तीसरा पैसे से रिलेटेड है अब इसकी मेंबरशिप देख लेते हैं इसकी मेंबरशिप देखो 193 यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर्स हैं उतने ही 193 जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं क्योंकि प्राइमरी फंक्शंस इन्हों को करना है है ना फिर इसके बाद क्या विद द एडिशन ऑफ द होली सी एंड पैलेस्टीन ठीक है बाद में जो एड uh, हुए फर्दर क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या करेगा ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दो विद लिमिटेशन ठीक है अब इसमें पढ़ तो पूरा लिया है पर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वन नाइनटी थ्री मेम्बर्स हैं बाद में होली सी और पैलेस्टीन बाद में एड हुए ठीक है इसके बाद इनके एजेंडा से रिलेटेड बात होती है ठीक है अभी एजेंडा कब प्लान कर लेंगे सेवन मंथ्स इन एडवांस का प्लान कर लेंगे ठीक है एंड बिगन्स विद द रिलीज ऑफ द प्रीलिमिनरी लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल एजेंडा ठीक है प्रोविजनल एजेंडा में इनमें प्रीलिमिनरी एक लिस्ट होगी ताकि वो लोग क्या कर सके एजेंडा बना सके अब वो जो प्रोविजनल एजेंडा है बाद में क्या बनेगा एजेंडा बनेगा फाइनल एजेंडा बनेगा और फिर इसके बाद उस उसपे क्या होगा काम होगा ठीक है और फिर इसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो किस पे सबमिट की जाएंगी सबमिटेड बैक टू द असेंबली किस चीज के लिए फॉर द एडोप्शन ऑफ कंसेंसिस और बाई वोट ये बजट वाला पोर्शन है अलग से लिखा है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आ जाता है इलेक्शन से रिलेटेड अब देखो जनरल असेंबली क्या है इंटरेस्टेड है इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर विद इलेक्टिंग members टू वेरियस organs विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम अब इन्हें देखो इनके पास एक मेन वर्क है कि इन्हें इलेक्ट करना है बजट ड्रॉ करना है ठीक है जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो सेक्शन फिफ्टीन में है रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर जनरल असेंबली जनरल असेंबली का खुद का एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है ठीक है नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन फॉर जनरल असेंबली क्या इंक्लूड करता है फॉर अपकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ जनरल फिर इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन सब के लिए ये क्या करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया यूएन जनरल असेंबली का आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब क्योंकि आगे भी यूपी जुडिशियरी और बाकी आपको अलग से भी पढ़ना हो तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो थैंक यू